छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर भी अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली में जेपी नड्डा से रेणुका सिंह मिली हैं। छत्तीसगढ़ सीएम की रेस में रेणुका सिंह भी हैं, केंद्रीय मंत्री थी, चुनाव जीतकर आई हैं और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह भी हो सकती हैं। इन मुलाकात के मायनों को समझने के लिए नीरज पांडे के पास चलेंगे। नीरज, अब छत्तीसगढ़ का पेच कहां फंसा हुआ है, इन रेणुका सिंह की मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं विवेक की भारतीय जनता पार्टी में रायशुमारी का लंबा दौर चलता है, कभी भी कोई निर्णय तुरंत नहीं ले लिए जाते हैं। एक कंसेंसस बनाई जाती है सबसे और उसके बाद ही निर्णय होता है। रेणुका सिंह एक फ्रंट रनर मानी जा रही हैं, वहाँ मुख्यमंत्री पद की दावेदार मानी जा रही हैं, मिलने पहुंची थी भाजपा के अध्यक्ष से और उनसे मिलकर अभी निकली हैं। केंद्र सरकार में वो मंत्री थी, ट्राइबल फेस हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की राजनीति में सक्रिय रही हैं, तो निश्चित रूप में वो भी एक दावेदार हैं और ऐसे में उनकी मुलाकात को अहम माना जाता है। अब सीएम वही होंगी या कोई दूसरा होगा, इसमें अभी संशय है। जब दावेदारी की बात हम कर रहे हैं और पिछले एक घंटे से जो खबरें बता रहे हैं नीरज, अब अंकित गुप्ता के पास जरा लिए चलते हैं। अंकित, बड़ा सवाल ये भी है कि वसुंधरा राजे मिलने के लिए आती है, उनको वक्त नहीं मिल रहा है, रेणुका सिंह जो है वो मिलने के लिए आई और मिलकर चली भी गई, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, साफ तौर पर एक चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। देखिए, रेणुका सिंह आज जब यहाँ पर संसद भवन पहुंची थी तो उन्होंने अपना इस्तीफा भी सांसद पद से दिया था और कल भी हमने जब देखा था कि जब जो है वो यहाँ पर 10 सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद में कई सांसद जेपी नड्डा के घर पे गए थे एक जो औपचारिक मुलाकात के लिए और उनका जो धन्यवाद किया था, तो रेणुका सिंह की इस मुलाकात को उससे जो जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, ये जो सस्पेंस है ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है हर एक मुलाकात के साथ में, क्योंकि इसी में एक जानकारी और जोड़ना चाहूंगा। नरेंद्र सिंह तोमर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं सुबह और अब जो है इस सबके बीच में वसुंधरा राजे यहां इंतजार कर रही है। ज्योतिरादित्य का जो टाइम 7 बजे का सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है सस्पेंस और ज्यादा बढ़ रहा है। तो नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, आप तो ऑफिस से ही हैं, जेपी नड्डा के घर से हैं, आप सारी गतिविधियां देख रहे हैं। अगर यही सवाल मेरा आपसे हो कि वसुंधरा राजे आती हैं, मिलने का वक्त मांगती हैं, तो उनको वक्त नहीं मिल रहा है और ये आके मिलकर चली जाती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? विवेक, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए नहीं ठीक होगा क्योंकि वसुंधरा राजे देर रात पहुंची हैं, करीब 12 बजे वो लैंड की हैं, उसके बाद अपने घर पहुंची हैं। उन्होंने समय मांगा था, लेकिन पार्लियामेंट, मैंने पहले ही कहा, मेरी जानकारी जो थी भारतीय जनता पार्टी टॉप सोर्सेस से, मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि वसुंधरा राजे से बात हो चुकी है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, बाकायदा समय की बात हो चुकी है। भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त भी कर दिया है कि दोपहर बाद कभी भी मुलाकात हो सकती है। पार्लियामेंट में बिजी होने के कारण उन्होंने ये जरूर उनसे कहा था कि 5 बजे के आसपास या 5 बजे के बाद कभी भी मिल सकते हैं। तो ये माना जा रहा है, ये कहना ठीक नहीं होगा कि समय उन्हें नहीं मिला है, बल्कि ये कहना ठीक रहेगा कि जैसे ही वो एक उपयुक्त, क्योंकि वसुंधरा राजे कोई छोटी नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं और एक सीनियर लीडर है, लंबे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के टॉप लीडरशिप में वो शामिल रही। एक समय था कि जब वो नरेंद्र मोदी के साथ चीफ मिनिस्टर भी थी, तो ये कहना कि उनको समय, उनका एक अपना अलग दायरा है, एक अलग ऑरा है, इसलिए उनके साथ जब बैठेंगे तो एक लंबी चर्चा होगी, उनके साथ एक समय देना होगा, बहुत सारी बातें करनी होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।